अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। लेकिन जैसे ही मैंने कल न्यूज देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसर्स कले के नाम से जाना जाता है, जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके वो उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर वन मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू या मुस्लिम है, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। ये देखकर बहुत दुख होता, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम कि ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर वन बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है, लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां चार पांच अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो फिर भूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं।